श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा दा हुण तक दा सब तो वड्डा बयान आया है। जी हाँ, दस देना चाहवांगा कि बयान की है। सब तो पहला उन्हां दा उन्होंने ये कहा है कि हुण साडे धर्म के लोग जिहड़े ने वह आपस दे विच लड़न दे विच लगे हुए ने। गोलकां दी लड़ाई चल रही है, कोई भी धर्म नूं बचाउण दे विच नहीं लगा होया, कोई भी सिक्खी का प्रचार करन दे विच नहीं लगा होया। पर हाँ, एक गल पक्की है कि गोलकां नूं जिहड़ा बचाउण दे वास्ते, गोलकां नूं हड़प्पण दे वास्ते गोलकां दी लड़ाई जिहड़ी है सिख संस्था दे विच चल रही है। हरेक संस्था का मोढ़ी कहिंदा है कि मेरी संस्था उपर होवे, मेरी संस्था दे कोल ये होवे वो होवे, तां हरेक कोई अपनी संस्था नूं उच्चा चक्कण दे विच लगा होया, ना कि सिक्खी नूं उच्चा चक्कण दे विच लगा होया, ना कि गुरबाणी का प्रचार करन दे विच उच्चा लगा होया। तां इह हुण तक दा सब तो वड्डा बयान श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा दा आया। उन्हां कहा कि गोलकां दी लड़ाई चल रही है, सिख पंथ दे विच गोलकां दी लड़ाई चल रही है, साडी कौम नूं बदनाम किया जा रहा। उन्हां कहा कि इंडिया दे विच वी, पंजाब दे विच वी और बाहरले मुल्कां दे विच वी हुण यही काम होना शुरू हो गया है। धर्मां दे नाम दे उपर लड़ाई की जा रही है, गोलकां दी लड़ाई जिहड़ियां अजिहियां संस्थावां ने, धार्मिक स्थान ने, उत्थे हुण गोलकां दी लड़ाई होनी शुरू हो गई है। ना तो किसी का सिक्खी दे वल ध्यान है, ना तो प्रचार वल ध्यान है, ना ही गुरबाणी दे वल ध्यान है। बस ध्यान है तो इस चीज़ वल कि अपनी संस्था नूं उपर किवें चकना है। इसकी जद्दोजहद लगी हुई है, इसकी लड़ाई लगी हुई है, यानी कि गोलकां दे उपर कब्जे करन दी लड़ाई लगी हुई है। साफ तौर पर स्पष्ट कर दिता है श्री अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा ने। नसीहत भी कह सकते हो तुसीं कि नसीहत दिती है, फिटकार पाई है कि गोलकां दी लड़ाई की जा रही है सिख धर्म दे विच और सिख कौम नूं बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है और मखौल भी उड़ाया जा रहा है, सिख कौम का मखौल उड़ाया जा रहा। होर उन्होंने की कुछ कहा विस्तार दे विच, ये भी सुन लो। चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दवान है, चाहे पटना साहब बोर्ड है, चाहे हजूर साहब बोर्ड है। हुण तुसीं हजूर साहब बोर्ड की ला लो, अज मेरे को चार पांच महीने हो गए सरकार नूं बोर्ड भंग कीते एक सिख के हवाले किया। हालांकि उस सिख की सियाणप के उत्ते कोई शंका नहीं है, बड़ा इंटेलीजेंट सिख है जिहदे हवाले किया, लेकिन अज किन्ने महीने हो गए बोर्ड नूं सस्पेंड किए, उहदी बहाली नहीं है। कित्थे प्रबंध है पंथ कोले नदेड़ साहब का, कित्थे प्रबंध है नदेड़ साहब का, लेकिन कोई सिख बोलता, कोई सिख कह रहे हैं, आवाज उठ रही है, कोई धरने मुदारियां की गल कर रहे। अच्छा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुछ हो रहे थे धरने मुदारियां तक आ जाते हैं, उत्थे कोई धरने मुदारियां की गल कर रहे। पटना साहब का बोर्ड कितने, पटना साहब का बोर्ड सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी पटना साहब है, वह बोर्ड कितने दिखाई दे रहा है, की कर रहे बोर्ड, की कुछ हो रहा है, की बोर्ड दियां जिहड़ियां ने वह जिम्मेवारियां ने, कौन पुछू ना जाके, उन्होंने कोई नहीं पुछता जा रहा। इस करके क्योंकि असं कहते हैं जहेदार काल तक बोले, जहेदार काल तक बोले, ते जे जहेदार अकाल तख्त साहब बोल पिया फिर कहते बादलों नूं प्रमोट कर, इहदा बादलों नूं मजबूत कर। इस करके साध संगत जी सानूं सोचण की जरूरत है, सानूं समझण की जरूरत है। असी बाबा अकाली फुला सिंह जिहड़े इस तखत के महान जथेदार रहे ने, उन्हां दी 200 साल शताब्दी जिहड़ी है वह मना रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बैठे ने, अभी फिर कहते हैं कि तख्तां दे जथेदारां दी नियुक्ति दा विधि विधान जिहड़ा है वह क्यों नहीं बनाया जा रहा, तख्तां दे जथेदारां दे अधिकारां दी व्याख्या क्यों नहीं की जा रही, कितना समां जिहड़ा है तख्त दा जथेदार रहेगा, कदों हटेगा, कदों बनेगा, की प्रक्रिया होगी, क्यों नहीं यह विधि विद्वान जिहड़ा है कौम दीआं संस्थावां जां कौम दे विद्वान जिहड़े आ वह मिलकर बना रहे। और यह चीज श्री अकाल तख्त साहब वालों चिट्ठी भेजी गई सी, जदों सिंह साहब मानयोग जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदांती जथेदार सी, उन्होंने पत्र भेजा सी, मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबंध सिंह जी बैठे ने, इन्होंने रिमाइंडर भेजा सी, असीं रिमाइंडर भेजिया कि जथेदारां दी नियुक्ति दे विधि विधान होने चाहिए, कोई अपने अधिकार तो बाहर ना जा सके, जे महादोष लगता है जथेदार से
कोई गलती कोई खुनामी जथेदार तो होंगी है तो उन्होंने उतारण का की विधि विधान होंगे होना चाहिए कोई विधि विधान है हाई कोर्ट का जो जज के उ महान दोष लग जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जी है वो अदालत देखती है सुनती है क्योंकि उन्होंने विधि विधान बनाया सैशन कोर्ट नहीं है चक के हाई कोर्ट के जज को सजा दे देते लेकिन साढ़े विधि विधान ही कोई नहीं इस करके संस्थावां मजबूत करिए असी उस जरनैल का मैं गल इस करके की उस जरनैल का शहीद दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब की शानावती प्रभुता जो चार चंद लाए थे जे असी चाहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब की प्रभुता चार चंद लगन तो सानू सारे यत्न करने पैने मैं है चला जाऊंगा कोई होर आ जाएगा वह भी चला जाएगा पहले सिंह साहब बैठे ने ये आए चले गए असी भी चले जावे लेकिन अकाल तख्त साहब इतने रहना इस करके कोई ऐसे मापदंड कौम नू मिलके कौम दीयां संस्थावां नू मिलके तय कर लेने चाहिए है ताकि साडी कौम जिहड़ी है वह गैरां दे विच हासे मजाक की पात्र ना बने अज हासे मजाक की पात्र बन गई अज जिहड़े धर्म परिवर्तन करा रहे ना जबरी वह साडियां संस्थावां का मजाक उड़ा रहे साडियां संस्थावां का मजाक उड़ा रहे सो सानू सोचण समझण की जरूरत है मानजोग सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जो सिखा की सर्वोपरि जिहड़ा है वह पोस्ट है सर्वोपरि आउंदा है असी तां इहनूं भी निशाने दे लैणों नहीं छड्डिया और गैरां ने नहीं लिया साडे आपणा ने लिया इस करके अहुदियां का माण करना सीखिए अहुदियां का सत्कार करना सीखिए और अहुदियां की शान नूं बरकरार रखण दे विच अपना योगदान पाइए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨ ਚਾਹਾ प्यार पाओ पता भोगपुर पंजाब हुणे कॉल करो 9978-92106 लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स लव मैरिज तलाक केस करजा मुक्ति इमीग्रेशन मसले जमीनी झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा वशीकरण बुरे सुपने लाटरी पति पत्नी च झगड़ा विदेश च पक्का होना नशा जां बुरी संगत छुड़वाउणा बच्चों का पढ़ाई च मन ना लगना सच्चा प्यार मिलेगा जां नहीं मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं दवांगा हुणे कॉल करो 9978-31-471 अपनी हर तरह की मुश्किल अते समस्या का घर बैठे हल करवाओ